और आगे फेस तो दिखे। सोना बोलिए क्या बोल रहे। सोना फिल्म प्रोडक्शंस एक नई एल्बम प्रेजेंट करने जा रही है जिसका नाम है अनलिमिटेड मस्ती। अब आगे देखिए सिंगर का नाम जो भी है शबनम सोनी जो फर्स्ट टाइम इंडस्ट्रीज में आ रही है इस गाने को एक धमाकेदार ट्यून लेके, शायद आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा और उम्मीद करते हैं कि दो तीन गाने ऐसे जो हिट होंगे जिसका म्यूजिक डायरेक्टर है मिस्टर अफरोज खान। लाइन प्रोड्यूसर हरीश चुक जो लाइन प्रोड्यूसर है और डायरेक्टर संजीव त्रिनायक और डायरेक्टर है संजीव त्रिनायक बहुत एक्सपीरियंस डायरेक्टर। मेरा नाम अफरोज खान है और मैं अनलिमिटेड मस्ती जो एल्बम का नाम है उसका मैं संगीतकार हूं। और आज के मुबारक मौके पे हमारे आदरणीय रमेश गोयल साहब, हरीश चुग जी जो हमारे लाइन प्रोड्यूसर हैं, हमारे सिंगर शबनम सोनी जो इस एल्बम के लिरिक्स राइटर भी हैं, तो अनलिमिटेड मस्ती ये एल्बम भी मस्ती में ही तैयार हो रहा है और ये हम लोगों का सौभाग्य है कि इसकी रिकॉर्डिंग लता मंगेशकर जी के स्टूडियो में हो रही है। और जैसा कि अभी आपने सवाल किया कि कुछ खास से मुराद ये है कि देखिए संगीत तो शास्त्रों का बंधन है, सारे गामा पाधा निशा, लेकिन उसको तराशा जाता है। तो जिस तरह से शबनम जी से बातचीत हुई, चूँकि शबनम सोनी जो हैं ये पहली बार डेब्यू कर रही हैं, तो यकीन जानिए आप लोगों ने भी अभी उस गाने को सुना होगा, तो एक नए सिंगर के अकॉर्डिंग नो डाउट बहुत अच्छा लिरिक्स, बहुत अच्छा आइटम सॉन्ग और बहुत अच्छा रोमांटिक सॉन्ग रिकॉर्ड हुआ, जो बहुत जल्दी मुझे उम्मीद है कि दर्शक पसंद करेंगे। जैसे अश्लीलता आइटम सॉन्ग में होता है वो इनके आइटम सॉन्ग में नहीं है। जो आज से बहुत पुराने गाने जब बजते थे, झुमका गिरा रे बरेली का बाजार में, या इन्हीं लोगों ने ले लेना दुपट्टा मेरा, ये भी उस जमाने का आइटम सॉन्ग था। लेकिन आज क्या है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि मैं म्यूज़िक डायरेक्टर हूँ, कभी हो सकता है मुझे भी उस तरह का काम करना पड़ सकता है, क्योंकि क्या होता है भाई, पार्टी पापी पेट का सवाल है। जो बोलते नहीं आज के युग के हिसाब से, तो भैया युग के हिसाब से क्या मतलब है, आप अश्लीलता फैलाते रहोगे। तो नो डाउट अनलिमिटेड मस्ती का हर गाना अपने आप में फैमिलियर है और परिवार के साथ सुना जा सकता है। और शबनम जी, मुझे बताया गया है कि फर्स्ट सॉन्ग है, पहली बार आप ये भी कर रहे हो, आपने लिखे भी हैं, इसके बोल लिखे हुए हैं, अनलिमिटेड जिम्मेदारियां तो असल मामले में आपके पास ही हैं। बताना चाहते हैं क्या एक्सपीरियंस है? मस्ती का फुल पैकेज जी, अनलिमिटेड मस्ती के अंदर मस्ती का फुल पैकेज। और इस पैकेज में कितने गाने होंगे, किस किस मूड में होंगे? 8 गाने हैं, अभी दो कर रहे हैं और वीडियो भी हो रहा है, उसका बनाया जा रहा है। पहली बार गा रहे हैं आप, तो एक्सपीरियंस के बारे में पूछो। पहला एक्सपीरियंस है, बचपन से सोचा था कि मैं मुंबई जाऊंगी, बॉलीवुड में काम करूंगी, सिंगिंग करूंगी, और पूरा हो रहा है। और वो पूरा हो रहा है, तो ये फील किया है मैंने कि बहुत शक्ति है इस स्टूडियो के अंदर, दीदी के स्टूडियो में रिकॉर्ड करना। बचपन से उनको सुनती आई हूँ, गाती आई हूँ, उन्हीं के गाने से गायकी सीखा है, एक लव यू की तरह। आपके म्यूजिक डायरेक्टर साहब, जैसे कहा अफरोज जी ने कहा कि गानों में अश्लीलता नहीं होगी, वल्गैरिटी नहीं होगी, उसके बारे में आप कुछ अश्योरिटी देना चाहते हैं जो लोग आपको देखेंगे, जो आपको सुनेंगे? उसे मैंने ही लिखा है और अश्लीलता से दूर दूर तक कोई रिलेशनशिप इस एल्बम के लिए। गोयल साहब, आपने खुद देखा इन्हें गाते हुए, आपने सुना होगा, आज देखा आपने इन्हें रिकॉर्ड करते हुए, आपने गानों के म्यूजिक देखे होंगे, सुने होंगे, आपको क्या लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है,
और मुझे बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग आ रही है। मैं म्यूजिक डायरेक्टर अफरोज खान के साथ बैठा हुआ हूँ, लता दीदी की स्टूडियो में बैठा हुआ हूँ, हमारे लाइन प्रोड्यूसर हरीश चुग जी के साथ बैठा हुआ और मैडम शबनम जी के साथ बैठा हुआ। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, मुझे यहाँ पर बुलाया गया और इतना सम्मान हो रहा है, आप लोगों से बात हो रही है। बाकी मैंने गाने सुने हैं, बहुत अच्छे गाने हैं और जिस तरह से इन गानों का मूड है वो थोड़ा सा पुराने ज़माने की जो है जो फीलिंग होती थी वो उसमें काफ़ी है, तो एक नई चीज़ होगी जनता के सामने। और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह से इनका प्रोग्राम है शूटिंग करने का, ये वीडियो एल्बम बहुत अच्छे बनने वाली है और जो नाम है अनलिमिटेड मस्ती, उससे ही मालूम पड़ रहा है टाइटल से ही कि बहुत बढ़िया एल्बम होगी। और जो प्रोडक्शन है आपका सोनी फिल्म प्रोडक्शन, सोना फिल्म प्रोडक्शन, उसके लिए मेरी शुभकामनाएं, आप सबके लिए मेरी शुभकामनाएं। मैं बहुत सीनियर एक्टर हूँ यहाँ पर, इसलिए मैं सबको ही आशीर्वाद देता हूँ, सबको शुभकामना देता हूँ और मेरी तरफ से आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतना सुना। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। नहीं देखिए, अभी का जो दो गाना जो शूट होने जा रहा है वो टोटल शबनम सोनी की आवाज़ में है। इसके बाद बॉलीवुड के जो बड़े सिंगर हैं, जैसे कि बहुत ज़माने पहले आप लोगों ने सुना होगा कि भाई आशा जी के साथ अदनान सामी आया और बहुत सारे ऐसे फ्यूज़न बना, तो शबनम जी के साथ भी कुछ बॉलीवुड के बड़े सिंगरों के नाम जुड़ेंगे इंशाल्लाह। और मुझे उम्मीद है, जैसा कि मैंने बोला आपको, कि मुझे ज़रा सा भी फील नहीं हुआ कि मैं किसी नए सिंगर के साथ काम कर रहा हूँ, जबकि मैं आपकी दुआ से बॉलीवुड के जितने भी बड़े सिंगर हैं उन सबको रिकॉर्ड करता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा। बहुत पिकअप अच्छा है इनका और बहुत अच्छा गाया। हरीश चुग जी ने बोला भी कि अफरोज भाई इनके फिल्मों में बहुत लोग गाते हैं, बोले कि इनका पिकअप बहुत अच्छा है और आवाज़ बहुत अच्छी है, तो ये इनके लिए बहुत कि एक बॉलीवुड के एक अच्छे लाइन प्रोड्यूसर्स, अच्छे प्रोड्यूसर डायरेक्टर, ऐसे एक्टर इनको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि नहीं, सी इज बिकम ए गुड प्लेबैक सिंगर, नो डाउट। और सोना फिल्म प्रोडक्शन का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि हमें एक मौका दिया, और आप मीडिया वालों का, हमारे राजकुमार जी, हमारे मनु भाई प्रोड्यूसर्स, अभी इनका मैंने एक गाना किया है बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते, राजा हसन ने गाया है उसको, और चूँकि मुंबई की भाषा में होता ना बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते, गा दूँ नहीं गा दूँ भाई है। और हमारी पूरी टीम, दीक्षा जी हैं और क्या कह राहुल जी हैं और धनंजय की एक हमारी दोस्त आए हुए हैं जोया वगैरह वगैरह, सभी का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा कि इस मुबारक मौके पे धनंजय सिंह और मनु शाह जी, इन दोनों से मैं चाहूँगा कि दो शब्द ज़रूर बोले आप प्लीज। जो आप लोगों ने अपने बीच मुझे बुलाया, मैं एक मामूली प्रोड्यूसर हूँ जो काफ़ी समय से इस लाइन में हूँ, और मैंने 97 से 2000 तक की म्यूज़िक कंपनी भी चलाया था, उसके बाद बिजनेस में आया, और बिजनेस के बाद फिर मैंने अभी यूट्यूब पे बिनाका म्यूजिक के नाम से चैनल चालू किया है और माइका एंटरटेनमेंट। जस हमने सोचा काफ़ी समय के बाद में, काफ़ी ढूंढने के बाद में मुझे अफरोज जी मिले जो मुझे अच्छे लगे कि ये जो गाना है यही कंपोज कर सकते हैं, बाकी लोगों के बस में नहीं था। शुक्रिया। तो इन्होंने जो भी कंपोज किया है काफ़ी अच्छा किया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग के साथ जितने भी हमारे भारतवर्ष के लोग हैं, पब्लिक है, ऑडियंस है, पसंद करेंगे और हमारे चैनल को लाइक करते हुए आगे लेके जाएंगे। शबनम जी से आज ही मैं मिला हूं और काफ़ी 2-3 दिन से पहले से चर्चा हो रही थी, और अफरोज जी मुझे कह रहे थे, और ख़ास करके ऐसे मौके पर उन्होंने मुझे बुलाया, और फर्स्ट जो आइटम सॉन्ग मैंने सुना काफ़ी अच्छा है, और जो मूड इन्होंने दिया है और जो मूड से इन्होंने गवाया है अफरोज जी ने, काफ़ी अच्छा है। अब एक वीडियो है कि वीडियो मेकिंग अच्छी हो जाए तो मुझे उम्मीद है कि वो गाना हिट हो जाए। यस। आपको बुलाया खासतौर पर, बताना चाहते हैं कुछ आप अनलिमिटेड मस्ती के बारे में? अनलिमिटेड मस्ती एक बहुत ही अच्छा एल्बम दिख रहा है, और शबनम सोनी जी ने बहुत ही अच्छा गाना गाया, उनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है, अफरोज जी ने बहुत ही अच्छा म्यूज़िक भी बनाया है। मैंने आइटम सॉन्ग सुना, बहुत ही मुझे अच्छा लगा, और उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत बड़ी हिट होगी। और इसके वीडियो डायरेक्टर है संजीव त्रिगुनायत जी, हरीश चुग जी है लाइन प्रोड्यूसर, बहुत अच्छी चीज़ बनी है। इसमें एक्टिंग भी करेंगे रमेश गोयल जी। हाँ, रमेश जी एक्टिंग भी करेंगे। थैंक यू। उम्मीद करते हैं कि ये बहुत अच्छा हिट होगा अनलिमिटेड मस्ती, और यहाँ पे आगे काफ़ी अच्छा लगा है, और हमारे अफरोज भाई के तो क्या, इनका क्या कहना है, ये काफ़ी दिग्गज है अपने आप में और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप लोगों को हमारे तरफ से शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक हो, और आप सब थैंक यू। हम
सिंगर जो हैं सोना जी, माँ शबनम जी, माँ सरस्वती से मनोकामना करेंगे कि आगे बढ़ें। अनलिमिटेड मस्ती जो एल्बम गाई हुई है मैंने सुना, अच्छा है। और हमारे डायरेक्टर साहब, म्यूजिक डायरेक्टर साहब अफरोज खान जी, काफ़ी मेहनत किया है म्यूजिक के और काफ़ी सपोर्ट भी करते हैं, हमारे मित्र भी हैं और काफ़ी सपोर्टर हैं। हम चाहूँगा कि सोना फिल्म प्रोडक्शन आगे बढ़े और मैं बधाई दूंगा। और हमारे जितने भी नए कलाकार हैं, मैं यही चाहूँगा कि माँ सरस्वती से विनती करूँगा कि आगे बढ़े। मैं यही कहना चाहूँगा कि सोना फिल्म प्रोडक्शंस के बैनर तले जो ये एल्बम बन रहा है अनलिमिटेड मस्ती, जिसके काफ़ी अच्छे गाने हैं और आजकल की युवा पीढ़ी को जो गाने चाहिए उनसे मैच खाते हैं, बट इतना है कि इसमें वल्गैरिटी नहीं है और एकदम नीट एंड क्लीन गाने। और मेरी तरफ से फर्स्ट टाइम डेब्यू कर रही शबनम सोनी जी को बहुत बहुत बधाई और मैं चाहता हूँ कि इस दिवाली बाद ये एक हंगामा हो अनलिमिटेड मस्ती, यही हमारी शुभकामना। उन्होंने जो गाना गाया, आज की जो जनरेशन है मतलब यंग लोग जो सुनेंगे तो उनके दिलों को छू लेगा ये गाना और बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा ये हिट होगा ये गाना। नहीं, अगर थोड़े उम्र दराज लोग सुने उनको भी जवानी आ जाएगी यार, ये गाना ऐसा है।